यूं ही नहीं बिहार को जंगलराज का टैग मिला। टैग इसलिए क्योंकि किडनैपिंग, दबंगई और रेप के मामले में तो बिहार अच्छे अच्छों को पछाड़ दे। किडनैप हुआ तो दबंगई, रेप हुआ तो दबंगई। एक बार फिर से बिहार को धिक्कारती एक वारदात सामने आई है। पुलिस, दरोगा, एसपी, डीएसपी, नेता सब फेल। जो सुनता है वो हैरान रह जाता है, जो जानता है वो चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। 17 दिन पहले 20 साल की एक युवती को गांव के दबंगों ने जिंदा जला दिया था। सोती रह गई बिहार की पुलिस और सोते रह गए बिहार के सुशासन बाबू। चुनाव था, घमासान था, सियासी पारा में सब गुम थे। प्रशासन सो रही थी, या यूं कह लीजिए कि दबंगों के गोद में खेलती रह गई। इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा, किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने यह अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठ सुशासन की नींव रख सकें। वैशाली जिले के रसूलपुर हबीब गांव की घटना है। आरोप है कि गांव के दबंगों ने लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश की थी, लड़की ने विरोध किया तो केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। प्रीता को इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया। 15 दिन तक मौत से जूझने के बाद आखिरकार उसकी सांसें थम गई। प्रीता के परिवारों ने गांव के ही दबंग सतीश यादव पर बेटी को जलाने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि सतीश अक्सर उनकी बेटी से छेड़खानी करता था। उन्होंने सतीश के घर वाले से भी कई बार शिकायत की थी। इसके बाद सतीश और उनके दो साथियों ने घर के ही पास उनकी बेटी को पकड़ लिया और जिंदा जला दिया। अब इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि घटना की सूचना तुरंत ही पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस ने मौके पर जाकर पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया, बयान भी दर्ज किए लेकिन एफआईआर नहीं लिखी। अस्पताल में भर्ती पीड़िता के बयान का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस ने 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज की। हालांकि इसके बाद भी पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस बार बार सफाई दे रही है। चूंकि मामला छेड़खानी से जुड़ा है इसलिए हम प्रीता की पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं। पटना से प्रीता का शव जैसे ही गांव पहुंचा लोगों का गुस्सा आसमान चढ़ गया। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस और गांव वालों के बीच काफी देर हंगामा चला। पुलिस के दखल पर देर रात प्रीता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक व्यक्ति हैं, तीन व्यक्तियों का नाम आया है केस में। बच्ची थी कि केस दर्ज हुआ है 2 तारीख को, 30 तारीख की घटना थी। जलाने के बाद का आरोप लगाया गया है। तीन व्यक्तियों का नाम दिया है जिनको अनुसंधान में गिरफ्तारी के लिए चल रहा है। आज सुबह पीएमसीएच में इलाज के दौरान जो बच्ची है उनकी डेथ हुई है और अभी उन्हीं के अंतिम संस्कार की कार्रवाई चल रही है। पुलिस अब कह रही है कि मामले की कार्रवाई की जा रही है, हमने स्पेशल टीम बनाई है, लगातार छापेमारी की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि हमें कोर्ट से वारंट मिल गया है, जल्द ही कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कोर्ट से वारंट, कुर्की की कार्रवाई और जांच तो शुरू होना ही था। सोशल मीडिया पर भी प्रीता के लिए लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर प्रीता के नाम से हैशटैग चल रहे हैं, पर सवाल वही जो आज तक पूछा जा रहा है, कहीं फिर से कोर्ट में यह मामला एक फाइल बनकर न रह जाए और फिर सुशासन पर कुशासन हावी न रहे। न्यूज़ तक ब्यूरो।